अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग का लेटेस्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन नंबर 9, बीजिंग लिमिटेड। सबसे पहले बच्चों हम रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, सवाल की क्या है जी। कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर प्रोसेस नंबर 2। नंबर 1 क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बनाने हैं, 6 नंबर का सवाल है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकालनी है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एंड अबनॉर्मल गेन या लॉस निकालना है, 8 नंबर। टोटल ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो पार्ट नंबर ए से बच्चों हम शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर ए लिखेंगे यहां पे और लिखेंगे जी क्वांटिटी स्केड्यूल। ठीक है जी, एंड स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स वो भी बना लेते हैं। अच्छा जी, अब हम सवाल पढ़ते हैं। बीजिंग लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट विच पासिस थ्रू टू प्रोसेसेस। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 2 is extracted from BL's records for the month of February 22. अच्छा जी, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस है जी 3000। ये याद रखिएगा कि ये रुपीज हैं और आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि क्वांटिटी स्केड्यूल में रुपीज नहीं आते। अच्छा जी, यहाँ पे हम देखते हैं जी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 टू 95,000 लीटर्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये अमाउंट है। मटेरियल 200,000 लीटर्स इसी प्रोसेस में ऐड हुए हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये रुपीज है। लेबर ये भी रुपीज है, ये भी रुपीज है। मटेरियल इज एडेड एट 60% कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस 2 आफ्टर इंस्ट्रक्शन इज कैरिड आउट। अच्छा जी, मटेरियल शुरू शुरू में ऐड नहीं होते, 60% स्टेज के बाद जाके ऐड होते हैं और वो भी उस वक्त जब इंस्पेक्शन हो जाती है उसके बाद ऐड होते हैं। इसका मतलब है अगर कोई यूनिट लॉस निकल आया, चाहे वो अबनॉर्मल लॉस हो चाहे वो नॉर्मल लॉस हो, उसमें मटेरियल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इंस्पेक्शन जब हो जाएगी, कोई डिफेक्टिव यूनिट निकल आया तो वो साइड पे कर देंगे, बाकी के जो गुड यूनिट्स होंगे उसके ऊपर मटेरियल लगेगा। नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ इनपुट। अब नॉर्मल लॉस की भी हमने कैलकुलेशन करनी है। कन्वेयर कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस एंड गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स आर एज फॉलो। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है जी 40,000 लीटर्स, ये हमारे लिए रेलिवेंट है, हमने सिर्फ लीटर लेने हैं क्वांटिटी स्केड्यूल में। कितने परसेंट ये ऑलरेडी कंप्लीट है 40%। ओके जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 50,000 लीटर, ये रेलिवेंट है। कितने परसेंट कंप्लीट है 70%। कितने यूनिट्स कंप्लीट भेजे हैं हमने अगले डिपार्टमेंट में 450500, या हमने ये फिनिश गुड स्टोर में भेज दिए जहाँ से वो सेल हो जाएंगे, क्योंकि तीसरा डिपार्टमेंट रहेगी। द कंपनी यूजेस FIFO मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। चलिए जी, सबसे पहले हम क्वांटिटी स्केड्यूल को मुकम्मल करते हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों, इनपुट सेक्शन आता है जिसमें वर्किंग प्रोसेस, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस आएगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ लीटर आएंगे, अमाउंट नहीं आएगी। ठीक है, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस बच्चों 40,000 लीटर है, ये लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, कितने यूनिट आए हैं 295,000, ये लिखा हुआ है, ये हमारे लिए रेलिवेंट है। और स्टार्टेड या एडेड इन प्रोसेस, जो हमने ड्यूरिंग द प्रोसेस 200,000 लीटर ऐड किए हैं उसकी वजह से भी हमारे आउटपुट में इजाफा होगा, ये आज 200,000। तो टोटल जितने यूनिट्स का हमने हिसाब देना है वो बन जाएगा जी 200 प्लस 295 प्लस 40 535, तो 535,000 लीटर हमारा टोटल प्रोसेस है जो जिसका हमने हिसाब देना है। अब इसके बाद आएगा जी आउटपुट सेक्शन, ये इनपुट सेक्शन था, अब आउटपुट सेक्शन आएगा। उसमें आएगा जी ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, वो सवाल में बताया हुआ है 450,500, ये सीधा सीधा लिखा जाएगा। उसके बाद आएगा जी नॉर्मल लॉस, जिसके लिए हमें वर्किंग नंबर 1 करनी पड़ेगी। फिर आएगा वो नॉर्मल लॉस या गेन जो भी होगा वो बैलेंसिंग फिगर के तौर पर निकलना चाहिए। और फिर उसके बाद आएगा जी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस,
जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है 50,000, ये भी है, ये दो चीजें रह गई कंफर्म करने वाले। लेकिन हमें पता है कि इसका टोटल भी 5,35,000 आना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब बच्चों वर्किंग नंबर वन यहां पे कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल लॉस। बच्चों इंस्पेक्शन होती है 60% स्टेज पे जाके, इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग स्टॉक की इंस्पेक्शन अभी नहीं हुई होगी, क्योंकि पिछले महीने ये 40% कंप्लीट था, अभी उसके ऊपर मजीद 20% काम होना है इस महीने में, फिर जाके उसकी इंस्पेक्शन होनी है। तो ओपनिंग स्टॉक के नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में ओपनिंग स्टॉक शामिल होगा। तो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स शामिल होंगे 40,000। ओके, फिर बच्चों हमने काम शुरू किया 2,95,000 यूनिट्स और 2,00,000 यूनिट्स, उसमें से हमने 4,50,500 यूनिट्स कंप्लीट करके आगे भेजे। बच्चों ये जो 2,00,000 यूनिट्स हैं ये डेफिनेटली लॉस की कैलकुलेशन करने के बाद ऐड हुए होंगे, क्योंकि वो मटेरियल के बारे में कह रहा है कि मटेरियल हम उसी वक्त ऐड करते थे जब हम पहले इंस्पेक्शन कर चुके होते थे। तो ये 2,00,000 में से तो लॉस नहीं निकलेगा, 2,00,000 तो ऐड ही तब होगा जब लॉस पहले कैलकुलेट हो चुका। तो बच्चों 2,95,000 यूनिट जो है ना वो सिर्फ यहाँ पे ऐसे होंगे जिनकी इंस्पेक्शन होगी, क्योंकि वो स्टार्ट मटेरियल ऐड करने से पहले भी अवेलेबल थे। ठीक हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक चेक हो चुका है कि नहीं हो चुका? अगर तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक चेक हो चुका है तो वो तो उसके अंदर ऑलरेडी शामिल है, इसके अंदर शामिल है, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अगर क्लोजिंग स्टॉक की स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती 30% तो फिर हमें इसमें से 50,000 यूनिट माइनस करने पड़ते, क्योंकि वो 70% स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे है, इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक भी ऑलरेडी चेक हो चुका होगा, तो हम उसमें से माइनस नहीं करेंगे। ठीक है। ये क्या जी, रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है, इसकी चेकिंग हुई होगी, इस पे हमें परसेंटेज लगानी है, इस पे हम लगाएंगे जी 10%। ये 10% कहां से आया? ये 10% उसने क्वेश्चन में दिया हुआ, ये लिखा हुआ 10%। नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड 10% ऑफ द इनपुट। तो बच्चों ये ओपनिंग स्टॉक और रिसीव्ड यूनिट ये जो है इनपुट है, तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे 40,000 प्लस 295,000 का लेंगे जी 10%, आ जाएगा 33,500। ये वर्किंग नंबर वन से बच्चों हमने यहां पे लिखेंगे 33,500। अब हमने देखना यह है कि क्या ये फिगर जो है ये 5,35,000 से ज्यादा है कि कम है। अगर ज्यादा हुई तो अब नॉर्मल गेन होगा, और अगर कम हुई तो अब नॉर्मल लॉस होगा। 5,35,000 इसे माइनस करेंगे 4,50,000, फिर माइनस करेंगे 33,500, फिर माइनस करेंगे 50, तो आंसर आ जाएगा 1,000। तो बच्चों ये जो 1,000 है ये क्या है? अब नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल गेन नहीं है। इस तरीके से ये बैलेंस टैली हो जाता है। अगर अब नॉर्मल गेन होता तो उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है जी। तो ये पहली रिक्वायरमेंट का पहला हिस्सा जो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं कि सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहली रिक्वायरमेंट का सेकंड पार्ट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हमने कैलकुलेट करने हैं। अब यहां पे हम लिखेंगे जी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। चूंकि बच्चों ये याद रखिएगा प्रोसेस नंबर टू है, तो इसमें सबसे पहले हमने जो हिस्से बनाने हैं सबसे आएगा जी प्रीवियस डिपार्टमेंट, फिर दूसरी कैटेगरी बनेगी मटेरियल की, और फिर कैटेगरी बनेगी कन्वेयर कॉस्ट। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगला पॉइंट ये आएगा, अगर फाइफो मेथड है तो इसमें ओपनिंग स्टॉक अलहदा आएगा, यूनिट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड या कंप्लीटेड अलहदा आएगा, अब नॉर्मल लॉस अलहदा आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक अलहदा आएगा। ये सारी चीजें क्या होगा? अब बच्चों सबसे पहले हमें देखना ये है ओपनिंग स्टॉक के लिहाज से, चूंकि बच्चों ये फाइफो मेथड है तो ओपनिंग स्टॉक
के लिहाज से जो ये 40,000 यूनिट है इसके ऊपर प्रीवियस डिपार्टमेंट का खर्चा पिछले महीने में लग चुका होगा, इसमें नहीं काउंट किया जाए, ठीक हो गया। और ओपनिंग स्टॉक अगर हम अलहदा कर दें इस 40,500 के दौरान के अंदर ओपनिंग स्टॉक का 40,000 शामिल है, वो तो अगर साइड पे कर दें तो बाकी जो बचता है 4,500 उसमें से 40,000 अगर साइड पे कर दें तो पीछे बचता है 4,10,500। ये यूनिट ऐसे हैं जो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड है, 4,10,500 यहाँ पे भी आएगा, 4,10,500 यहाँ पे भी आएगा, 4,10,500 यहाँ पे भी आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, और अब नॉर्मल लॉस की बात करते हैं। अब नॉर्मल लॉस है 1,000, नॉर्मल लॉस को तो हमें इग्नोर करना होता है। अब नॉर्मल लॉस डेफिनेटली यूनिट जो स्टार्टेड एंड कंप्लीट है उसके अंदर शामिल होगा और वो पूरे का पूरा आएगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से सारे यूनिट्स 100% कंप्लीट है, चाहे वो इस डिपार्टमेंट 70% हो, 40% हो, जितने मर्जी हो, प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से सारे यूनिट्स 100% कंप्लीट है। और क्लोजिंग स्टॉक की बात करनी है हमने, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स 50,000 है। तो बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स जो है वो इस डिपार्टमेंट के लिहाज से कंप्लीट है या नहीं है, लेकिन वो प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से 100% कंप्लीट होगा। अब बच्चों ये बात याद रखनी है, क्लोजिंग स्टॉक जब हमने यहाँ पे 50,000 लिख लिया है तो जब नेक्स्ट मंथ में हम कैलकुलेशन करेंगे, नेक्स्ट मंथ में ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, तो नेक्स्ट मंथ में फिर ये जीरो लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा 100% का 100% हमने यहाँ पे शामिल कर लिया है। तो जब ये क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने का ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो उसको हम यहाँ पे फिर क्या कंसिडर करेंगे, जीरो, क्योंकि वो आप पिछले महीने में शामिल कर चुके थे। इसी वजह से बच्चों प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से ओपनिंग स्टॉक को हमने यहाँ पे जीरो लिखा है, क्योंकि वो पिछले महीने के क्लोजिंग स्टॉक में आ चुके हों। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि हमने ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स को यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो पिछले महीने में काउंट हो चुके हैं 100%। अच्छा जी, मटेरियल के लिहाज से बात करें तो ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल इस महीने में लगा है क्योंकि 40% कंप्लीट था, मटेरियल एड होना था 60% स्टेज पे जाके, तो ये ओपनिंग स्टॉक जो है मटेरियल के लिहाज से 0% कंप्लीट था। इस महीने में 100% मटेरियल लगेगा 40,000 यूनिट में, तो 40,000 यूनिट का लेंगे यहाँ पे 100%, क्योंकि ये सारे का सारा मटेरियल इसी महीने में ऐड हुआ है, ये तो डेफिनेटली शुरू से लेके अंत तक इसी महीने में लगा है। और अब नॉर्मल लॉस यहाँ पे नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि जब डिफेक्टिव यूनिट पकड़े गए होंगे तो साइड पे कर दिए होंगे तो हम मटेरियल उसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं, हमें पता लग गया होगा कि ये खराब है, उसमें मटेरियल क्यों जाया करना है। तो अब नॉर्मल लॉस के ऊपर मटेरियल जाया नहीं हुआ होगा। और क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास बच्चों 50,000 यूनिट, ये पूरे का पूरा आएगा। क्यों पूरे का पूरा आएगा? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की स्टेज है 70% और हमने 60% स्टेज पे सारे का सारा मटेरियल 100% ऐड कर दिया था, इस वजह से यहाँ पे 100% लेंगे। अच्छा, कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से बात करते हैं, ओपनिंग स्टॉक 40% कन्वर्ट हो चुका था पिछले महीने में, तो बाकी का 60% कन्वर्ट होना है इस महीने में, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 60%, ये 100% है। अब नॉर्मल लॉस डेफिनेटली हमारा 60% की स्टेज पे जाके चूंकि इंस्पेक्शन हुई है, तो इसका मतलब है 60% जो है हमने लेबर और एफर्ट्स लगा चुके थे जब हमारी इंस्पेक्शन हुई थी, तो 60% का तो हमारा नुकसान खैर हुआ है। प्लस अब 50,000 जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो किस स्टेज पे पहुंच चुका है, वो 70% स्टेज पे पहुंच चुका है, तो उसका हम यहाँ पे 70% ले लें। तो ये भी होपफुली आपको स्टेटमेंट ऑफ एग्रीमेंट्स समझ आया होगा। इसकी हम जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4,10,500 ये आ गया, प्लस 1,000 ये आ गया, प्लस 50,000 ये आ गया, 4,61,500 और ये सारे के सारे यूनिट्स निकले ना हमारे, ठीक है। तो 40,000 का लिया 100%, 40,000 आया, 4,10,500 और 50,000 का 100% आया। इसका भी आंसर जो है चेक करें, तो पहले 40,000 पूरा लेना है, 4,10,500 हजार को नहीं लेना, 50,000 पूरा लेना, 5,500 आता है, और 40,000 का 60% लेना है, 40,000
कर लिया 60%, 24,000 आया, उसमें 4,10,000 500 शामिल करना है, उसमें 1,000 कर लिया 600, 60% 600 आया, उसमें 50,000 कर लिया 70%, 35,000 आया, जमा करेंगे 4,70,100 आया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 500। ये हमारे रिक्वायरमेंट नंबर जो ए है वो कंप्लीट हो गई, एक यूनिट्स भी निकल आए हैं और क्वांटिटी स्केड्यूल बन गया। अब हमने पार्ट बी करना है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। जब हम लिखेंगे पार्ट बी, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, उसमें सबसे पहले फिनिश गुड्स में आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, यूनिट्स के लिहाज से बात करें तो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स बनते हैं हमारे 40,000, और जो यूनिट स्टार्ट किए एंड कंप्लीट किए वो है 4,10,500। तो टोटल हमारे पास यहां पे होते हैं जी 4,50,500। ठीक है, ये फिगर हमारी इस फिगर से मैच होनी चाहिए, तो यहाँ पे लिखी। अच्छा, अब ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट हमने यहाँ पे लिखनी है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक में जो ऑलरेडी कॉस्ट हमारे पास सवाल में गिवन थी वो हमें देखनी है कितनी है जी, 3,000,000, ये रुपीज 1,000 है, तो हम यहाँ पे रुपीज 1,000 की बात करेंगे, 3,000 ठीक हो गया। प्लस यहाँ पे हमने और क्या क्या लिखना है, इसमें मटेरियल शामिल होगा, ठीक है, कैसे 40,000 यूनिट्स हैं, उसको 100% कंप्लीट है एज कम्पेयर टू मटेरियल, इनटू मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी जो कि हमें पता नहीं है, प्लस चालीस हजार यूनिट कंप्लीट है कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से, मजीद कितना काम होना है, मजीद काम होना है जी 60% इंटू कन्वर्जन कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ये टोटल आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 4,10,000 यूनिट है, इसको सीधा सीधा हमने टोटल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, 4,10,500 इंटू टोटल कंप्लीट कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमारे पास टोटल आंसर आएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग वर्क में परसेंट ऑफ नॉर्मल गेन लॉस। तो बच्चों ये कंप्लीट करने के लिए हमें समझ आ गया है कि हमें क्या चाहिए, हमें पर यूनिट कॉस्ट चाहिए। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्किंग नंबर टू करेंगे। पर यूनिट कॉस्ट की वर्किंग के लिए हम यहां पे करते हैं, सबसे पहले जिस तरह से मैं यहां पे किया प्रीवियस डिपार्टमेंट कॉस्ट, हम यहां पे बात करते हैं सवाल में दी हुई है प्रीवियस डिपार्टमेंट कॉस्ट कितनी है, 21,000,000। प्रीवियस डिपार्टमेंट कॉस्ट 21,000,000, उसको डिवाइड कर देंगे प्रीवियस डिपार्टमेंट के यूनिट्स के साथ जो हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, आंसर आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 4,615,000, 45.5। उसके बाद मटेरियल की कॉस्ट की बात करनी है, तो मटेरियल की कॉस्ट सवाल में दी हुई है 8,000,000, ये यहां पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय मटेरियल के यूनिट्स 500,000, 500,000। क्या रहेगा 15.98, और उसके बाद है जी कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट देखेंगे सवाल में कितनी दी हुई है, इन दोनों को टोटल कर लेते हैं, 8,500 प्लस 3,200
1170 आ जाएगा, 60000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इससे डिवाइड कर देंगे 4701001170 0 divided by 470100 24.89. फिर टोटल निकल आएगा 24.89 प्लस 15.98 प्लस 45.5 86.37. ठीक हो गया। अब यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3000 तो हमें क्वेश्चन में गिवन था और 40000 है, 200% लेंगे तो ये 40000 है बेसिकली पुलिस डिपार्टमेंट के लिहाज से, इसको पुलिस डिपार्टमेंट सॉरी मटेरियल के लिहाज से पुलिस डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे शामिल किया ही है, ओपनिंग स्टॉक हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिहाज से हमारा 0% है, उसकी कॉस्ट मल्टीप्लाई नहीं होगी, सिर्फ मटीरियल की कॉस्ट शामिल होगी और एक कन्वर्जन कॉस्ट शामिल। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 इंटू 100% इंटू 15.98, 40,000 इंटू 60% इंटू 24.89, इसको टोटल कर लेते हैं, इसकी कैलकुलेटर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी 3 मिलियन पूरा प्लस 40,000 मल्टीप्लाई बाय 15.98 प्लस 40,000 इंटू 60% इंटू 24.89 4236560। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो इसको राउंड ऑफ भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर ऊपर लिख दूं रुपीज इन थाउजेंड जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है तो ये 4236 की 4237 हो जाएगा। ठीक हो गया। ओके, अब ये 410500 है, इसके साथ कंप्लीट कॉस्ट मल्टीप्लाई होनी है वो 86.37 है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 410500 मल्टीप्लाइड बाय 86.37 या जाएगा 3545488। इस 885 को राउंड ऑफ करेंगे तो 35455 आएगा। इसको टोटल करें 35455 प्लस 4237 39692। ठीक हो गया जी, ये बच्चों हमारी रिक्वायरमेंट होगी है कौन सी, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। अब अगली बारी है क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की, यहां पर लिखेंगे जी क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। उसमें सबसे पहले आ जाएगा जी प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से, प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 100% कंप्लीट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 45.5 से, और मटेरियल के लिहाज से 50,000 यूनिट्स है, 100% कंप्लीट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15.98 से, और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 50,000 यूनिट्स 70% कंप्लीट है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 24.89 के लिहाज से, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं 50 × 45.5 2275, ये भी सारी की सारी रुपीज इन थाउजेंड में हम राउंड ऑफ कर रहे हैं जैसे कि आपने सवाल में किया हुआ है, 50 × 15.98
799 और 50 इंटू 0.7 इंटू 24.89 871 टोटल कर लेते हैं प्लस 799 प्लस 2275 3945 ठीक हो गया जी। अब उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है अब नॉर्मल गेन या अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हम अब नॉर्मल लॉस तो निकला है गेन नहीं निकला। अब नॉर्मल लॉस की कंप्लीट जो है कॉस्ट तो नहीं आएगी खैर उसमें भी यही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। प्रीवियस डिपार्टमेंट की अलहदा मटीरियल की अलहदा और कन्वेयन कॉस्ट की अलहदा प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से 1000 यूनिट 100% कंप्लीट थे इसलिए 45.5 कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा लेकिन मटेरियल तो उसमें आया ही नहीं तो यहां पे मटेरियल की वैल्यू जीरो आएगी। कन्वेयन कॉस्ट के लिहाज से वो 60% कंप्लीट हो चुके थे उसके बाद जाके इंस्पेक्शन हुई तो उसके बाद वो पकड़े गए मजीद काम नहीं हुआ होगा ठीक हो गया जी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 इंटू 45.5 आएगा ये भी रुपीज 1000 है और ये जीरो 1000 इंटू 60 इंटू 24.89 14.93 अप्रॉक्सीमेटली ये 15 बनता है 14.9 टोटल कर लेते हैं जी प्लस 45.5 60.434 होता है राउंड ऑफ कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 60 होता है ठीक है जी। ये ओवरऑल बच्चों सवाल था हमारा इसका प्रोसेस काउंट आप कंप्लीट करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन वो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है हमने जिस तरीके से पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से अगर हम देखें इसको ऐसे बच्चों अमाउंट भी आ जाएगी और यूनिट्स भी आ जाएंगे यानी आई कैप की रिक्वायरमेंट नहीं है सिर्फ आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए मैं लिख रहा हूं। यहां पे आ जाएगी आपकी अमाउंट रुपीज 1000 और यहां पे आ जाएगी यूनिट्स यूनिट्स और रुपीज 1000। सबसे पहले आ जाएगी ओपनिंग स्टॉक जो कि 40,000 यूनिट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट जो यूनिट रिसीव हुए हैं वो कहते हैं 295,000 मटेरियल जो ऐड हुआ है ड्यूरिंग प्रोसेस 200,000 लीटर है यहाँ पे यूनिट्स की बजाय लीटर देते रहा है ठीक है। और कन्वेयर कॉस्ट लेबर और ओवरहेड्स से हमारे यूनिट्स में इजाफा नहीं हुआ जो यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं और हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं 4,50,500 जो नॉर्मल लॉस है वर्किंग नंबर वन से निकाला है और 33,500 है अब नॉर्मल लॉस है और बैलेंसिंग फिगर आई थी वो ऐसे लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस जो है वो 50,000 यूनिट है वैसे लिखेंगे ये टोटल कर लें तो ये 5,35,000 यूनिट्स बनते हैं और ये भी 5,35,000 अब अमाउंट की बात करते हैं हमें सवाल में उसने ये सारी अमाउंट दी हुई ये लिख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक है 3,000 का
प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो कॉस्ट आई वो 1000 की आई है, मटेरियल जो ऐड हुआ है 8000 का हुआ है, लेबर जो ऐड हुआ है 8500 और 3200, इसका टोटल करते हैं 3000 जमा 21000 जमा 8000 जमा 8500 जमा 3200, 4370। ठीक है जी, जो यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं उसकी कॉस्ट हमने यहाँ पे निकाली है, थ्री नाइन सिक्स नाइन टू। नॉर्मल लॉस की कोई कॉस्ट नहीं है। अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली इसको राउंड ऑफ कर लें, फर्ज करो और भी अगर 61 अज्यूम कर लेते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है 3945, इसको टोटल कर लेते हैं 3945 प्लस 61 प्लस 39692 तो 43698 आया। इसमें 2 रुपए का फर्क आया है, और वो इसलिए आया है राउंडिंग ऑफ की वजह से कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे 45.5 एग्जैक्ट नहीं थी, ये 14.9 एग्जैक्ट नहीं थी, ये जो हमने यहाँ पर यूनिट कॉस्ट निकाली है ये इसमें थोड़ा सा मसला है, जिसकी वजह से आंसर में थोड़ा सा फर्क आया, अदरवाइज ये एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं। तो इस तरह से हम सवाल करते हैं, लेकिन जब आई कैप ने हमें सवाल कंप्लीट प्रोसेस अकाउंट नहीं मांगा था, उसके बाकी कंपोनेंट्स मांगे थे, ये आपको अच्छी तरह से बच्चों क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमें मार्किंग जो है वो किस तरह से मिलनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 था जी हमारी इस अटेम्प्ट का, उसने कहा क्वांटिटी स्केड्यूल का आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, इक्वल प्रोडक्शन यूनिट्स का आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों रिक्वायरमेंट नंबर 8 में एक क्वांटिटी स्केड्यूल था, 2 नंबर इसके थे, और इक्वल प्रोडक्शन जो यूनिट्स है उसके आपको 4 नंबर मिले, और फिर कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स के 3 नंबर थे, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस के 2.5 नंबर थे, और अब नॉर्मल लॉस के भी 2.5 नंबर थे। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस के ज्यादा नंबर इसलिए हैं क्योंकि सबसे पहला पॉइंट था ये कि बहुत सारे बच्चों से गेन निकल आया होगा जब उन्होंने मटेरियल को शामिल किया होगा, इस वजह से बच्चों यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज्यादा थे, इसलिए उसने 2.5 नंबर दिए। अब हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं एग्जामिनर, एग्जामिनर कमेंट्स के मुताबिक क्वेश्चन नंबर जो 9 है बहुत अच्छा परफॉर्म किया बच्चों ने, ओवरऑल 73% लोगों ने इसमें से पासिंग मार्क्स लिए। अब हम जरा उसकी जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत गलतियां की हैं उसको देखते हैं जी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर प्रोसेस 1 वर नॉट कंप्यूटेड एंड द कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 वाज इनकरेक्टली एडेड टू मटेरियल कॉस्ट इन कंप्यूटेशन ऑफ द मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी, वही वंस अगेन वही मसला है कि मटेरियल कॉस्ट ऐड कर दी गई थी, हालांकि मटेरियल ऐड नहीं होना चाहिए था, तो वो तो इंस्पेक्शन के बाद ऐड हुआ था। Normal loss was incorrectly computed by most of the examinees. ठीक है जी, नॉर्मल लॉस में सबसे बड़ा मसला आता है बच्चों, याद रखिएगा नॉर्मल लॉस एक आर्ट है कैलकुलेशन करने का, ये आपने सीखना है कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और जो रिसीव यूनिट से सिर्फ वो आने थे, और बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया था जो कि होना नहीं चाहिए था। ये बच्चों एक आर्ट है, ये इतना आसान काम नहीं है, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, अगर आपको समय नहीं आया तो इसकी पहले प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस वाज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। अब आप सिंपल सी बात है बच्चों, फाइफो मेथड में जब फिनिश गुड्स की हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो ओपनिंग स्टॉक को शामिल नहीं करते। हमेशा याद रखिएगा इन केस ऑफ फाइफो ओपनिंग स्टॉक हमेशा फिनिश गुड्स में एड होता है। बच्चे ये पहली लाइन मिस कर देते हैं, सिर्फ ये दूसरी लाइन लिखते होते हैं। ठीक है, तो यही एग्जामिनर बार बार बताने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ फ्रीक्वेंट मिस्टेक हुई है, ये आपने इसको अच्छी तरह से इंश्योर करना। होपफुली बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।